उसको भी कैसे मोटिवेट करते हैं, इसी से करते हैं ना कि मर जाएगा जन्नत जाएगा. दैट इज द वे देयर व्हाई व्हेन यू गो देयर यू विल बी हैप्पी. यू हैव टू सैक्रीफाइस एंड द हायर सैक्रीफाइस ऑफ योर सेल्फ. देयर इज नथिंग हायर अ हायर सैक्रीफाइस एंड द सैक्रीफाइस ऑफ द लेफ्ट सेल्फ. एंड व्हेन यू सैक्रीफाइस द हाइएस्ट यू ऑल्सो गेट द हाइएस्ट. ये सिंपल है जी, सिंपल रूल है. हायर द रिस्क द हायर द गेन एंड हायर द लॉस ऑल्सो. रिमेंबर वन थिंग, सिर्फ गेन गेन नहीं है. तो ये व्हाई डिड आई स्टार्ट विद दिस, बिकॉज व्हेन यू गो टॉक ऑन सक्सेस वी हैव टू बी वेरी क्लियर दैट ऑल ऑफ अस सिटिंग हियर, आई एम नॉट टॉकिंग टू इंडिविजुअल्स नाउ, आई एम टॉकिंग टू द कॉन्शियसनेस ऑफ एवरी वन ऑफ यू. एवरी वन ऑफ यू इज ओनली इंटरेस्टेड इन वन थिंग, इन हाउ टू बी happy. That is actually your goal. They are not two goals. And please don't make your call your means at goals. Desires, fulfillment of desire is actually the means. Fulfillment of desire is means. Helping others is the means. The goal is happiness. Whatever you desire in life is actually the means to happiness. अब देखिए, अब ये बताइए मुझे, अगर आपको गोली क्लियर ना हो तो कैन यू बी कॉल्ड अ सक्सेसफुल पर्सन? एंड एवरीवन, मोस्ट 99% ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड टुडे डू नॉट नो द गोल. दे थिंक द मींस टू बी द गोल. अब ये आपसे कम क्यों क्लियर कर रहा हूं, एक चीज और ध्यानपूर्वक सुनिए इसको, यू गेट इट मोर क्लियर. एब्सोल्युटली यू हैव नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर. तो एक वर्ड तो यहां ऊपर लिख ही देते हैं क्लियरली. ठीक है जी, गोल इज वन और गोल आर टू, शुड बी वन और टू. बिकॉज गोल, द वर्ड कमिंग फ्रॉम द वर्ड गोल, फुटबॉल हॉकी एवरीवन मस्ट बी नोइंग समथिंग अबाउट इट. इन फुटबॉल देयर आर वन गोल, टू गोल्स और फाइव गोल्स और टेन गोल्स. But you score many goals. When you score one goal, after that the goal post changes or it remains the same? It remains the same, है ना जी? और it changes के एक बार एक जगह मारा तो ये दूसरी जगह दूसरी गोल जगह अलग जगह अरे हटाओ डंडा इधर लगाओ. No, it remains the same. That means the goal should be one. But हम जो life lead कर रहे हैं, हमारे ये तो डिजायर्स जो हैं, जो बात करी थी, डिजायर्स तो चेंज करते रहते हैं. हेल्पिंग पीपल तो चेंज करता रहेगा, तो मींस चेंज कर सकते हैं. टू स्कोर गोल्स द मींस चेंज. इन हॉकी और फुटबॉल द मूव्स द प्लेयर्स मेक चेंज, बट द गोल रिमेन्स सेम. So wherever, whenever we think that we got different goals, that means there is some problem within us. That goal is not the goal. That is the means. So ye do cheeze aap ekdam clear rakhiyega. Means and goal. Goal is one. Means can be infinite. Means can be infinite. But the goal is so a successful person is a person who is happy because the goal is. Ab life mein dekh lijiye aap, you want to become this, you want to accomplish this, you want this desire to be fulfilled, because in your life you have got different desires. Breakfast pe aaj to ye khana hai, that desire is fulfilled. What do you feel? Satisfaction. Satisfaction se kya milta hai? Happiness, right? परंतु दोपहर को फिर ब्रेकफास्ट और लंच का नाम अलग अलग दिया है, परंतु प्रक्रिया तो दो है कि एक ही है? खाने की है. सो देयर द डिजायर हैज चेंज, देयर इज अगेन द डिजायर हैज चेंज. यू वांट समथिंग एल्स एंड डिनर यू वांट द सेम थिंग? नो, यू वांट समथिंग अगेन डिफरेंट. बट द गोल इज वन, सैटिस्फैक्शन. गोल इज वन, satisfaction and happiness, these are actually synonyms. ये पर्यायवाची शब्द हैं, these are not two different. ये ध्यान रखिएगा, बड़ा अजीब चीज है ये.
बात करेंगे। तो असली चीज एक ही आती है कि गोल की फुलफिलमेंट, और गोल की फुलफिलमेंट आपको क्या देती है, हैप्पीनेस देती है। हर का गोल एक है, उसका मतलब यहां आप जितने भी बैठे हुए हैं आपका गोल एक है। सो दैट मीन्स ये लेक्चर जो वी गोइंग टू टॉक अबाउट सक्सेसफुल लाइफ, यू मे से, जैसे कि हम लोग जाते हैं किसी के पास, नहीं यार मुझे, जब बच्चे होते हैं तो बोलते हैं यार आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम अ लॉयर, आई वॉन्ट टू बिकम दिस, आई वॉन्ट टू बिकम दैट। हम कहते हैं नहीं नहीं अलग, तो एक है, द गोल इज ओनली वन एंड दैट गोल इज टू बी हैप्पी। बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। चाहे वो टेररिस्ट हो, उसकी भी गोल क्या है, हैप्पीनेस। उसको भी कैसे मोटिवेट करते हैं, इसी से करते हैं ना, कि मर जाएगा जन्नत जाएगा। दैट इज द वे देयर, व्हाई व्हेन यू गो देयर यू विल बी हैप्पी। यू हैव टू सैक्रिफाइस एंड द हाईएस्ट सैक्रिफाइस इज ऑफ योर सेल्फ। देयर इज नथिंग हायर, अ हायर सैक्रिफाइस एंड द सैक्रिफाइस ऑफ द लेफ्ट सेल्फ, एंड व्हेन यू सैक्रिफाइस द हाईएस्ट यू ऑल्सो गेट द हाईएस्ट। ये सिंपल है जी, सिंपल रूल है। हायर द रिस्क द हायर द गेन एंड हायर द लॉस ऑल्सो। रिमेंबर वन थिंग, सिर्फ गेन गेन नहीं है। तो ये व्हाई डिड आई स्टार्ट विद दिस, बिकॉज व्हेन यू गो टॉक ऑन सक्सेस वी हैव टू बी वेरी क्लियर दैट ऑल ऑफ अस सिटिंग हियर, आई एम नॉट टॉकिंग टू इंडिविजुअल्स नाउ, आई एम टॉकिंग टू द कॉन्शियसनेस ऑफ एवरी वन ऑफ यू। एवरी वन ऑफ यू इज ओनली इंटरेस्टेड इन वन थिंग, हाउ टू बी हैप्पी। दैट इज एक्चुअली योर गोल, दे आर नॉट टू गोल्स। And please don't make your, call your means at goals. Desires, fulfillment of desire is actually the means. Fulfillment of desire is means. Helping others is the means. The goal is happiness. Whatever you desire in life is actually the means to happiness. अब देखिए, अब ये बताइए मुझे, अगर आपको गोल ही क्लियर ना हो तो कैन यू बी कॉल्ड अ सक्सेसफुल पर्सन? एंड एवरी वन, मोस्ट 99% ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड टूडे डू नॉट नो द गोल। दे थिंक द मीन्स टू बी द गोल। ध्यानपूर्वक सुनिए इसको, विल गेट इट मोर क्लियर, एब्सोल्युटली यू हैव नो प्रॉब्लम व्हाट्सोएवर। तो एक वर्ड तो यहां ऊपर लिख ही देते हैं क्लियरली, ठीक है जी। गोल इज वन और गोल आर टू, शुड बी वन और टू, बिकॉज गोल, द वर्ड कमिंग फ्रॉम द वर्ड गोल, फुटबॉल हॉकी एवरी वन मस्ट बी नोइंग समथिंग अबाउट इट। इन फुटबॉल देर आर वन गोल टू गोल्स, बट यू स्कोर मेनी गोल्स। व्हेन यू स्कोर वन गोल, after that the goal post changes or it remains the same? It remains the same, hai na ji? Or it changes ke ek baar ek jagah mara tu ye dusri jagah, dusri goal jagah alag jagah, hey hatao danda idhar lagao? No, it remains the same. That means the goal should be one. But hum jo life lead kar rahe hain, hamari ye to desires jo hain, jo baat kari thi, desires to change karte rehte hain. Helping people to change karta rahega. तो मींस चेंज कर सकते हैं। टू स्कोर गोल्स द मींस चेंज। इन हॉकी और फुटबॉल द मूव्स द प्लेयर्स मेक चेंज, बट द गोल रिमेन्स सेम। सो वेर एवर वेन एवर वी, किसी बेवकूफ ने दिया है इसके चक्कर में मत रहना। नेवर, इग्नोरेंस इज नेवर ब्लिस, इज समथिंग अ रॉन्ग थिंग। इग्नोरेंस इज कॉज ऑफ initial bliss but ultimate great sorrow, not sorrow but great sorrow. How? Knowledge is happiness, gives happiness. Health ki baat hui, simple. Did not know what is good for health and what is bad for health. How do you know good and bad for health? Through knowledge. Galat jagah se kha liya. Did not know that this food was putrefied, sahi nahi tha, to kya hua? Bimar ho gaye, bad health. Anything in life you take, galat vyakti se dosti kar li, dhoka de gaya,
गलत गलत जगह कस्टमर पकड़ लिया, बिजनेस कर लिया, नुकसान दे दिया। कोई भी चीज देखिए आप लाइफ के अंदर जिसने आपको दुखी दुख दिया है, उधर आपने देखा होगा कि योर नॉलेज हैज बेसिकली नॉट बीन एबल टू यूज राइट नॉलेज। यू हैव बीन इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट्स। यू हैव वर्कड ऑन फेथ, बट रिमेंबर वन थिंग, फेथ नेवर ओवर राइड्स फैक्ट्स। And facts mean knowledge, and faith may be right, may be wrong, and maybe means speculation, and speculation is never knowledge.